नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो के अंदर हम अस्थमा के बारे में बात करने वाले हैं। आज का ये वीडियो हमारा 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि अस्थमा के क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे योग आसन बताने वाली हूँ, कुछ ऐसे प्राणायाम बताने वाली हूँ जिनको आप फॉलो करके इजीली अपनी अस्थमा की प्रॉब्लम को आप क्योर कर सकते हैं। और तीसरा, इस वीडियो के अंत तक आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही ईजी टिप्स बताने वाली हूँ जिनको फॉलो करके आप अस्थमा की प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड जो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको अस्थमा की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में जो बहुत ही कॉमन हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला, अचानक से सांस फूलने लग जाता है और उसके अंदर हमें सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होना शुरू हो जाती है। दूसरा, हमें बहुत जल्दी खांसी जुकाम होना शुरू हो जाता है। तीसरा, आपने देखा होगा कि अचानक से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हम प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाते हैं। एंजाइटी हमें होने लगती है, अचानक से दम घुटने लगता है और नाक हमारा बंद हो जाता है। तो ये इसके बहुत ही कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो हमें देखने को मिलते हैं। जो अगर आपको इन सिम्टम्स में से अगर कुछ प्रॉब्लम है तो एक बार आप चेक करवाइएगा, आपको अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो योग आसन बताऊंगी उससे आप इजीली अपनी प्रॉब्लम को क्योर कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें कि अस्थमा की प्रॉब्लम किस किस को हो सकती है, तो ये किसी भी एज में हो सकती है एंड मोस्टली देखा गया है कि बच्चों को, युवकों को ज़्यादा होती है, तो उनका आप ज़रूर ध्यान रखें। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ योग आसन की ओर जिनको आपको डेली बेसिस पर फॉलो करना है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको टोटल 3 योग आसन बता रही हूँ जो आपको कंटिन्यू फॉलो करना है। उसके बाद हम कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला अपना आसन रहेगा पर्वतासन। उसको कैसे करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैं अभी बैठी हूँ वैसे आपको मेट पे रिलैक्स होकर बैठना है। अब इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, अपनी जो कमर है एकदम स्ट्रेट रहेगी। एंड जो अगर आप इस तरह से बैठकर नहीं कर पाते हैं तो बिस्तर पे आप बैठकर कर सकते हैं या कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। और सेकंड, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपने हिप्स के नीचे आप कोई भी तकिया लगा के बैठ सकते हैं जिससे इसको आप इजी तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। तो अब इसके अंदर हमें क्या करना है, अपनी कमर को एकदम स्ट्रेट रखना है, कंधों को हमें थोड़ा पीछे की ओर लेके जाना जिससे कि हमारी कमर एकदम स्ट्रेट रह सके। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अपने दोनों हाथों को पूरा स्ट्रेट करते हुए इस तरह से ऊपर की ओर लेके जाना है। इस तरह से अपनी दोनों हाथों को आपस में मिलाना है। अब नेक्स्ट इसमें हमें क्या करना है, एटलीस्ट आपको कोशिश करनी है 10 से 15 सेकंड के लिए आपको होल्ड रखना है और इसका आपको कोशिश करना है 3 से 4 बार आपको कंटिन्यू प्रयास करना है। नॉर्मल इनहेल एंड एक्सहेल करते रहे, श्वास की जितनी हो सके गति नॉर्मल रखे, लंबा गहरा सांस ले और सांस को धीरे धीरे बाहर की ओर छोड़े। इनहेल एंड एक्सहेल, पूरी बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करते हुए स्लोली स्लोली हाथों को नीचे की ओर लेके आएंगे। तो इस तरह से आपको इस आसन को कंप्लीट करना है। अब चलते हैं सेकंड आसन की ओर। सेकंड आसन अपना रहेगा माजरी आसन। उसको कैसे करना है तो उसके लिए हम पहले पेबल टो पोजीशन में आएंगे। इस तरह से हमें पोजीशन बनानी है। अब इसमें हमें ध्यान क्या रखना, अपने जो हाथों की जो पोजीशन रहेगी वो हमारे जस्ट कंधों के सामने की तरफ होनी चाहिए इस तरह से। अब इसमें हम क्या करेंगे, लंबा गहरा सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, अगेन धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए बॉडी को नीचे की ओर लेके आएंगे, अगेन पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हुए लंबा गहरा सांस लेते हुए ऊपर की ओर लेके जाएंगे, अगेन सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर, पूरी बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करेंगे। तो ये आसन आपको एटलीस्ट 10 से 15 बार कंप्लीट करना है। और जो अगर आप इसके कंटिन्यू सेट के अकॉर्डिंग आप करना चाहते हो तो इसके आप एटलीस्ट 10-10 के 3 सेट आप कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड आसन की ओर। थर्ड आसन अपना रहेगा मत्स्य आसन। उसको कैसे करना है तो उसके लिए अगेन हम हमारे मेट पे हम लेट जाएंगे। पूरी बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करेंगे। अब नेक्स्ट इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों को हम अच्छे से फोल्ड करेंगे इस तरह से पद्मासन के अंदर। अब नेक्स्ट हम अपनी गर्दन को हम थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स करते हुए हाथों का सहारा लेते हुए हम इस तरह से अपनी गर्दन को ऊपर की ओर उठाएंगे और नेक्स्ट अपने हाथों से अपने पैर के अंगूठे को हम इस तरह से पकड़ेंगे और इस पर हमें होल्ड रखना है एटलीस्ट 5 से 10 सेकेंड के लिए। जितनी देर आप होल्ड रख पाते हैं उतनी ही देर आप कोशिश करें इसको, नॉर्मल इनहेल एंड एक्सहेल करते रहे, पूरी बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करते रहे। अगेन अपने हाथों के सारे अपनी गर्दन को रिलैक्स करेंगे
और पूरी बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करेंगे नॉर्मल इनहेल एंड एक्सहेल के साथ। तो ये तीन आसन आपको डेली बेसिस पे कंप्लीट करने हैं। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं प्राणायाम की ओर। कौन से आपको प्राणायाम कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले हम हमारी मैट पे इस तरह से रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे, सुखासन या पद्मासन जिसमें आप कंफर्टेबल है उसके अंदर आपको बैठना है। कमर को एकदम स्ट्रेट रखें। सबसे पहला प्राणायाम हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। उसको कैसे करना है, तो सबसे पहले हम जो पोजिशन बनाएंगे अपने एक हाथ की पोजिशन हम बनाएंगे विष्णु मुद्रा, जिसके लिए हम क्या करेंगे अपनी मध्यमा और तर्जनी अंगुली को हम इस तरह से नीचे की ओर लेके आएंगे और नेक्स्ट अपनी राइट साइड के नॉस्टल से राइट साइड के नाक से हम सांस को अंदर की ओर लेंगे और लेफ्ट से हम सांस को बाहर की ओर छोड़ेंगे। इसमें ध्यान क्या रखना, हमें कुंभक भी हमें लगाना है। कुंभक का मतलब होता है कि हमें कुछ देर के लिए सांस को वहीं पे होल्ड रखना है। आप भी मेरे साथ कंटिन्यू करें ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। यस, तो सबसे पहले हम अपने राइट साइड से सांस को अंदर की ओर लेंगे। इसमें आप जितना हो सके धीरे धीरे सांस लें और लंबा गहरा सांस लें। तो अगेन हम स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे सांस को अंदर की ओर लेंगे। अगेन हम कुंभक करेंगे। कुंभक कैसे करना, इसके लिए हम क्या करेंगे, फेफड़ों में अच्छे से सांस को भरेंगे और उसको वहीं पे हम 5 से 7 सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे। जो अगर आप जितनी देर इसको होल्ड रख पाते हैं तो कोशिश करें आप इसको होल्ड रखें। अगेन पूरी बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करते हुए अपने लेफ्ट साइड के नॉस्टल से सांस को बाहर की ओर छोड़ देंगे। तो इस तरह से आपको ये प्राणायाम कंप्लीट करना है। और इसके अंदर आप ध्यान रखें कि जब भी आप करने इसको बैठे तो एकदम आपका माइंड एकदम शांत होना चाहिए ताकि इसके आप बहुत सारे बेनिफिट उठा पाएं। एंड प्राणायाम एक ऐसी योगिक क्रिया है जिससे आप इजीली अपने वात पित्त एंड कफ तीनों दोष को आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। तो आपको इस प्राणायाम को अच्छे से कंप्लीट करना है। इसको आप कोशिश करें एटलीस्ट 5 मिनट तक कंप्लीट करें। अब सेकंड प्राणायाम अपना रहेगा भस्त्रिका प्राणायाम। तो उसको कैसे करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से हम हमारे मैट पे रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। अब इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो अपना अंगूठा अंदर की ओर और मुट्ठी बंद रहेगी, और जैसे हम सांस को ले रहे हैं तो सांस लेते टाइम हमारे हाथ ऊपर की ओर इस तरह से जाएंगे और पूरे हाथ ओपन रहेंगे। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। तो आप मेरे साथ करें ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो यस, स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम सांस लेंगे और स्पीड में जितना हो सके आप इसको स्पीड में करें। एंड जो अगर आपको अस्थमा की ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इसको आप स्लोली स्लोली आप स्टार्ट करें। यस, स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आपको इसको प्राणायाम को कंप्लीट करना है। इसके आप कितने सेट कर सकते हैं, इसके आप 20-20 के आप 3 सेट कंप्लीट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ मुद्रा की। तो हमें कौन कौन सी मुद्रा हमें करनी चाहिए, तो सबसे पहले हम करेंगे लिंग मुद्रा। अब उसको कैसे करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पोजिशन जो हमारी हाथों की क्या रहेगी, उसके लिए हम अपने पूरे हाथों को अच्छे से मिलाएंगे और अपनी अंगुलियों को हम इस तरह से इंटरलॉक करेंगे। नेक्स्ट हमें क्या काम करना, अपना जो राइट साइड का हाथ है उसका जो अंगूठा है वो हमें इस तरह से ऊपर की ओर रखना है और अपने दूसरे वाले हाथ को हमें इस तरह से रखना है। इसी पोजीशन के अंदर हमें होल्ड रख। अब इसमें हमें एटलीस्ट कोशिश करनी है आप एटलीस्ट 10 से 15 सेकंड के लिए आप होल्ड रखें, और जो अगर आपके पास अच्छा टाइम है तो आप 5 मिनट के लिए इस मुद्रा के अंदर आप होल्ड रखें। एंड इस मुद्रा का मेन काम क्या है कि आपकी कफ दोष को कम करने में मदद करती है। अस्थमा की प्रॉब्लम में हमारा कफ दोष काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, तो ये कफ दोष को कम करती है। इसके अंदर आप एटलीस्ट कोशिश करें होल्ड रखें 5 मिनट के लिए और पूरी बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करें। इस तरह से आपको ये मुद्रा कंप्लीट करनी है। सेकंड मुद्रा आती है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा आपको कैसे करनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को अच्छे से रिलैक्स करेंगे। अब हमें क्या काम करना, अपनी जो बीच वाली जो अंगुली है मध्यमा और अनामिक अंगुली को हमें अंगूठे से इस तरह से ज्वाइंट करना है इस तरह से, और इस पोजिशन के अंदर हमें एटलीस्ट 5 मिनट के लिए होल्ड रखना है। नॉर्मल इनहेल एंड एक्सहेल करते रहे, ये हमारे डाइजेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो आपको इसके अंदर होल्ड रखना है, नॉर्मल इनहेल एंड एक्सहेल करते रहे। तो इस तरह से हमें ये कंप्लीट करना है। यस, तो अभी हमने जान लिया कि हमें कौन से आसन प्राणायाम करने हैं। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें कौन कौन सी टिप्स फॉलो करनी है। तो सबसे पहले जो अगर आपको अस्थमा की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना, आपको ठंडी तासीर वाली चीज़ें आपको नहीं खानी है। ठंडी तासीर वाली चीज़ों के अंदर जैसे कि मैं बात करूँ फल फ्रूट की, तो आपको केला हो गया, अमरूद हो गया, ये आपको नहीं खाना है। ये आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा ठंड पहुँचाते हैं, तो ये आपको नहीं लेना है। आपको गर्म तासीर वाली चीज़ें लेनी है।
अब गर्म तासीर वाली चीज़ें के अंदर आप क्या ले सकते हैं, आप काढ़ा बना के ले सकते हैं। अब काढ़ा कैसे बनाना है, तो आपको नींबू, तुलसी, अदरक और काली मिर्च, इन चारों चीज़ों को आपको लेना है और इसको अच्छे से उकाल के आपको काढ़ा बनाना है। एंड इसको आपको जब तक अच्छे से उकालना है, जब तक ये काढ़ा आपने जितना लिया है उससे हाफ ना हो जाए, तो इसको अच्छे से आपको उकालना है। एंड उसके बाद आपको क्या काम करना है, जब भी आप इस काढ़े को पिए तो उससे पहले आपको एक चम्मच इसके अंदर हनी ऐड करना है। तो ये आप काढ़ा ले सकते हैं। बाकी गर्म तासीर वाली चीज़ों के अंदर आप और क्या क्या ले सकते हैं, तो सबसे पहले आप अदरक ले सकते हैं। अदरक आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, साथ में आपके कफ दोष को कम करने में हेल्प करता है। और अदरक का आप जैसे कि अदरक की आप टी बना के ले सकते हैं, अदरक का आप पानी बॉईल करके वैसे आप पानी पी सकते हैं, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। सेकेंड आपको लहसुन लेना है। थर्ड आप लेमन वाटर आप ले सकते हैं। अपनी मॉर्निंग की जब आप शुरुआत करें तो उठते ही आपको गर्म पानी के अंदर आधा नींबू, एक चम्मच आपको हनी डाल के ऐड करके वो आपको लेना है। थर्ड आपको नेक्स्ट क्या काम करना है, आपको रात को सोने से पहले सरसों के ऑयल को आप हल्का सा गर्म करके उसकी आप अपनी बॉडी पे मसाज करें, आप अपनी चेस्ट पे या पीठ पे अच्छे से उसकी मसाज करें, जिससे आपको काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे साफ सफाई रखें, कोशिश करें आप धूल मिट्टी से थोड़ा दूर रहें और मास्क हमेशा लगा के रखें। एंड लास्ट जो अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आप कब्ज की प्रॉब्लम को थोड़ा दूर करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको जो आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको क्या काम करना, अपनी कब्ज की प्रॉब्लम को दूर करना, अपनी जठराग्नि को थोड़ा मजबूत बनाना है। तो ये कुछ टिप्स है जो आपको डेली बेसिस पे फॉलो करनी है। अगर आप इन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे तो इजीली आप अपनी अस्थमा की प्रॉब्लम को क्योर कर पाएंगे। तो ये था अपना आज का वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको योग आसन बताए हैं, प्राणायाम बताए हैं और जितने भी टिप्स बताई है, अगर आप इनका डेली बेसिस पे अभ्यास करेंगे तो आप अस्थमा जैसी प्रॉब्लम को क्योर भी कर पाएंगे। और मैं आपसे एक चीज़ की रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ जो अगर आपको मेरा नॉलेज अच्छा लग रहा है, जो अगर आपके लिए वैल्यूबल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, उन लोगों को ज़रूर शेयर करें जिनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच।